हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा आज पंचकुला के महान सपूत और गौरव मेजर संदीप सागर की 25वीं शहादत वर्षगांठ है। सबसे पहले मैं देश की एकता और अखंडता के लिए उनके बलिदान को नमन करता हूं। देखिए, आज पंचकुला के महान सपूत, पंचकुला के गौरव मेजर संदीप सागर की आज 25वीं शहादत दिवस था। सबसे पहले तो मैं उनको सैल्यूट करता हूं कि उन्होंने देश की एकता और अखंडता के लिए देश विरोधी ताकतों के साथ लड़ते हुए अपनी शहादत दी। मैं उनके माता पिता को भी सैल्यूट करता हूं कि जिन्होंने एक ऐसे सपूत को जन्म दिया जिसने देश की आज़ादी के लिए सीने में गोली खाई। आज मैं समझता हूं कि उन वीरों को भी सैल्यूट करने का अवसर है जो हमारी सरहदों के ऊपर हमारी सुरक्षा के लिए, चाहे वो -40 डिग्री टेम्परेचर हो, चाहे वो कड़कती धूप हो, जलती धूप हो, वो सीमाओं के ऊपर सीना तान करके खड़े हैं, दिन रात खड़े हैं ताकि हम रात को चैन की नींद ले सकें। आज उन वीर शहीदों को भी सैल्यूट करने का दिन है जिन्होंने इस देश की आज़ादी के लिए अपनी शहादत दी। शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय, अनेकों शहीद हुए जिन्होंने इस देश को आज़ाद कराया। आज मैं समझता हूँ कि जो हमारे वीर सैनिक सीमाओं पर खड़े हैं उस आज़ादी की रक्षा के लिए खड़े, उसी कड़ी में मेजर संदीप सागर ने अपनी शहादत दी है। आज 25 साल हो गए हैं लेकिन पंचकुला वासियों को मेजर संदीप सागर पर गर्व है।